आर्यंस जीके के इस सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ये अपना सेकंड सीरीज करते हैं। फर्स्ट सवाल की ओर करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर 10 क्वेश्चन का ही सेट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सेकंड हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त या डी ब्रह्मगुप्त। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। एक डॉक्टर थे चरक, जिसने चरक संहिता लिखा है, ये चिकित्सा से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई ते हुआ था आपका क्या, बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तब प्राचीन वेद की बात हो रही है, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सवाल करता है कि मुहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मुहम्मद गोरी आपका शासक था अफगानिस्तान का रहने वाला था। मुहम्मद गोरी अफगानिस्तान का आपका रहने वाला शासक था। आगे बढ़ते हैं, ज्ञातिवंत की रचना किसने की है? तो ज्ञातिवंत की रचना आपका विश्वामित्र ने किया था, ज्ञातिवंत की रचना। आगे बढ़ते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की किसकी थी आपका, बाजीराव पेशवा की आपका प्रेयसी थी, यानी प्रेमिका थी। उसके आगे सवाल करते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? सवाल आपका है कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपका मनुस्मृति जो है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। और आज का नवा सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपका सवाल यहाँ पे है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से खिलजी। आगे बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट सवाल है आज का, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल की घंटी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।